how are you? I am Banthar Maria. <laughs> Today I will be teach asexual reproduction. In previous classes, we discuss about what is रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में पिछले कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हम लोग पढ़ रहे थे uh, इसके बाद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है आपका फर्स्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कई टाइप्स का होता है टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने फ्यूजन को पढ़ा ठीक है और बच्चा जो हमारा पोर्शन था रिमेनिंग पार्ट जो था बर्डिंग था स्पोर फार्मेशन और रीजनरेशन जनरेशन फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये बाकी टॉपिक बची थी तो आज हम लोग बडिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे बडिंग बडिंग क्या होता है है ठीक ना वॉट इज बडिंग बडिंग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस बडिंग इज स्पेशल काइंड ऑफ प्रोसेस इन दिस प्रोसेस ऑफ

एक बड आउट ग्रोथ एराइज करती है और वे आउट ग्रोथ क्या करती हैं कि आर्गेनिज्म में बाहर की तरफ निकलती हैं और जैसे ही जैसे वो ग्रो करती जाती हैं अपने बेसल वाले पोर्शन से वो पतली होती जाती हैं और एक समय में उससे वो निपड आउट यानि टपक जाती हैं जिसके वजह से वो छोटा ग्रोविंग अलग हुआ पार्ट होता है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है यहाँ हम देख सकते हैं बर्डिंग क्या होती है ठीक है ना तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन बर्डिंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ इन बर्डिंग ए स्मॉल ए स्मॉल

आरगे निजम ग्रो आउट एज ए बड ग्रो आउट एज ए बड विच देन विच देन डिटैच detach 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 and become detach and become detach and become a new plant a new plant called buddy है ना लाइक like दैट जैसे ये एक हाइड्रा का प्लांट है यहां पे हम आपको दिखाते हैं जैसे कि एक-एक का प्लांट है ऐसे ठीक है ये किसी सब स्टेज से क्या हुआ है जुड़ा हुआ है हाइड्रा का प्लांट है तो शुरू शुरू में ये सपोज करिए कि पेरेंट है क्या है पेरेंट है ठीक है तो इससे आगे के पोर्शन में क्या होता है कि जैसे ही ये प्लांट ऐसे ग्रो करता है ऊपर की तरफ से यहां पर एक आउट ग्रोथ एराइज होने लगती है क्या एराइज होने लगती है आउट ग्रोथ तो इस प्लांट में यहां पर एक आउट ग्रोथ एराइज होगी आउट ग्रोथ ठीक है तो ये आउट ग्रोथ होगी बाद में यही आउट ग्रोथ बड कहलाती है क्या कहलाती है बड कहलाती है फिर देन नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म में ये क्या होता है आउट कुछ इस प्रकार से हो जाती है यही क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में आउट कुछ इस प्रकार से हो जाती है देखिए ध्यान से यहाँ पे तो यही आउट ग्रोथ बढ़ने लगती है ऐसे ठीक है ना आगे की तरफ रेज करती है और ये जो बेसल पार्ट है वो नैरो होता जाता है और ये जो बेसल पार्ट नैरो होता जाता है और लास्ट टर्म में क्या होता है कि ये ऐसे ये पेरेंटल तो वैसे ही पड़े रहते हैं ऐसे ठीक है लेकिन ये आउट ग्रोथ यहां पर टूट कर क्या हो जाती है अलग हो जाती है ऐसे डिटैच हो जाती है किसी सब स्टेटम से जुड़ जाती है और एक न्यू हाइड्रा का प्लांट बना लेती है तो यहां से ये क्या करेगा इस पार्ट से ये जो बॉडी है प्लांट की ये निपड करेगा निपड यहाँ से टूट कर टपक जाएगा और ये टपका हुआ पार्ट क्या होता है ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है न्यू ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है और ये पेरेंट ज्यो का त्यों पड़ा ही रहता है तो इस प्रकार के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बडिंग कहते हैं बडिंग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो होता है जैसे हम इसको देखने को मिलता है ईस्ट ठीक है ना ईस्ट में बडिंग पाई जाती है इसका एग्जाम्पल है क्या ईस्ट है हाइड्रा है ठीक है तो ये प्लांट है जिसे ईस्ट है ये प्लांट किंगडम या फंजाई में आता है जिसको साइक्रोमाइसिस सर्वेसी के नाम से जाना जाता है इसका बोटेनिकल नेम होता है ये हाइड्रा है हाइड्रा एनिमल्स ठीक है तो ये क्या करते हैं कि ये दोनों प्लांट में जनरली बर्डिंग देखी जाती है तो बर्डिंग का बेस्ट एग्जाम्पल इस्ट एंड हाइड्रा ठीक है तो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन नेक्स्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम आगे स्पोर फॉर्मेशन नेक्स्ट है आपका थर्ड स्पोर फॉर्मेशन ठीक है स्पोर फॉर्मेशन तो फिर नेक्स्ट सवाले में हम पढ़ेंगे स्पोर फार्मेशन क्या होता है स्पोर फार्मेशन एक स्पेशल काइंड का ए सेक्सुअल मेथड होता है रिप्रोडक्शन का इसमें क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वह क्या करता है कोई स्पेशल काइंड की सेल्स होती है और जिसका न्यूक्लियस उसी सेल्स के अंदर ही छोटे छोटे स्पोरों में इस स्मॉल स्पोर में क्या हो जाते हैं टूट जाते हैं और स्पोर फार्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो जनरली एडवर्स कंडीशन में या अंडर फेवरेबल कंडीशन में भी हो सकता है दोनों कंडीशनें इस पर लागू होती हैं ठीक है तो इसमें किसी भी प्रकार का और स्पोर फार्मेशन मुख्य रूप से आपको फंजाई में देखने को मिलता है इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है फंजगस फंगस तो फंजाई वाले जितने भी प्लांट होते हैं उनमें लगभग जनरली स्पोर का फार्मेशन होता है जैसे हम एग्जांपल के तौर पे कह दे राइजोपस फंगस किसका राइजोपस फंगस का एग्जांपल ले सकते हैं तो हमें कह सकते हैं व्हाट इज स्पोर फार्मेशन ठीक है ना अब स्पोर फार्मेशन क्या होता है इन स्पोर फार्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस हंड्रेड ऑफ माइक्रोस्पोरिक Reproductive unit called spore. Okay? Then the spore comes of the plant brush then the spore spread into air when these air porn spore land on food soil under favorable condition they germinate and produce न्यू प्लांट यानी कहने का मतलब किसी भी प्लांट में स्पोर का जो फार्मेशन होता है वह किसी पेरेंट प्लांट में वह छोटी छोटी यूनिटों में उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है हर एक डिवाइड पार्ट स्पोर कहलाता है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है और वह फेवरेबल कंडीशन आएगी तो उस प्लांट की बॉडी या उस सेल्स की बॉडी क्या हो जाएगी जिसमें स्पोर बने होते हैं उस सेल्स की बॉडी क्या हो जाती है फट जाती है और जितने भी स्पोर बने होते हैं एयर के थ्रू वह लैंड पर पृथ्वी पर फूड पर यानी भोज पदार्थों में अंडर फेवरेबल कंडीशन में ये वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद वो वही जर्मिनेट करके न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं